Greetings to all of you. Welcome to Imbibe Achieve Defense Exams YouTube channel. रात के 8 बज चुके हैं और हमारा करंट अफेयर्स शो बिल्कुल लाइव हो चुका है. तो जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें. आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार Imbibe Achieve Defense पर. हाय पायल शर्मा, पूजा रॉय, बहुत बहुत स्वागत है. जल्दी जल्दी से भाई सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ सकें हमारे पास. आज है भाई फ्राइडे 29th of September, करंट अफेयर्स आज का हमारा हाजिर है फॉर CDS, CAPF, NDA एंड AFCAD एग्जाम्स. हमारा CDS, हमारा जो करंट अफेयर्स है स्पेसिफिकली जो है वो डिफेंस एग्जाम्स के आसपास ही रहेगा ताकि आप जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल रहे. वेदांत त्रिवेदी, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका. जल्दी जल्दी आ जाइए. तो आज बेटा हमारा लास्ट डे है सितंबर मंथ का, क्योंकि कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी. और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको पूरे सितंबर का मैं मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दूंगा. आप डेली भी पढ़िए और मंथली वाला भी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा एक मंथ का कंपाइलेशन भी मिल सके. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, अब देखिए आज की हेडलाइंस के बारे में अगर बात करें तो हेडलाइंस में आज बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने अपनी रैंक को 40वें नंबर पर बरकरार रखा है. दूसरी खबर ये देख सकते हैं कि माता अमृत नंदिनी देवी जो हैं उन्हें वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उत्तर प्रदेश को बेटा आयुष्मान भारत स्कीम के लिए दो दो अवार्ड दिए गए हैं. यूनाइटेड नेशंस FPA ने जो है इंडिया एजिंग रिपोर्ट रिलीज की है, बताया है कि भारत में जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है. ये बहुत अच्छी खबर आ रही है कि गूगल ने अर्थक्वेक अलर्ट्स जारी कर रहे हैं बेटा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए. मतलब अर्थक्वेक्स हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं तो बेटा अर्थक्वेक्स के लिए जो है एक अलर्ट सर्विस शुरू की है गूगल ने. ये बहुत अच्छी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है. मलयालम मूवी जो इसका नाम 2018 है वो बेटा ऑस्कर्स 2024 में भारत की तरफ से एंट्री होगी. त्रिपुरा ने जो है ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च किया और एक नई फिश जो है डिस्कवर की गई है पश्चिम बंगाल के दीघा हार्बर पर. इनमें से कुछ खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मलयालम मूवी वाली, ये एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है. इंडिया एजिंग रिपोर्ट, ये अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है. उसके अलावा ये पहली और दूसरी खबर भी काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट खबरों में आप गिन सकते हैं. ठीक है, सुशील कुमार बहुत बहुत स्वागत है. PDF बिल्कुल बेटा क्यों नहीं मिलेगी भाई, PDF तो हमारी डेली मिलती है. Imbibe Achieve Defense हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा CDS, CAPF, AFCAD with कासिफ सर वहां भी मिल जाती है. उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी मिलती है, हर तरफ आपको PDF दी जाती है. स्नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है, सुशील कुमार बहुत बहुत स्वागत है. बफरिंग होनी तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों हो रही है. बाकी आप लोग को सब कुछ क्लियर है तो मुझे हरी झंडी दीजिए, सेशन को मैं शुरू करता हूं. बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, जल्दी से आ जाइए फटाफट फटाफट, फास्ट 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 सारे लोग. हाँ जी जल्दी से सारे लोग आ जाइए ताकि सेशन को शुरू किया जाए. वेदांत त्रिवेदी जल्दी से एक बार लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बिल्कुल भी देरी ना हो सेशन को शुरू करने में. ठीक है भाई, चलो जल्दी जल्दी बता दो सर शुरू करा है, आप बस बोल दीजिए फिर मैं सेशन को शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के. ठीक है, ओके चलिए. तो पहली खबर आ रही है बेटा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि इंडिया रिटेन्स 40th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. देखो बेटा इकोनॉमिक सिस्टम में जो है ना, समझो दुनिया भर में 132 बड़ी इकोनॉमीज को शामिल किया गया है. तो दुनिया भर में 132 बड़ी इकोनॉमीज को शामिल किया गया है जिसमें भारत की रैंक 40वें नंबर पे है. भारत में क्या है कि इकोनॉमी में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं. अब आप देख सकते हैं, इस समय हमारे देश में एक जमाना था जब हमारे देश में लाइसेंस राज चलता था. उस जमाने में देश में धंधा करना, व्यापार करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम था. लेकिन आज के समय में देखिए
चीजें बहुत ज्यादा इजी हो गई हैं, फ्लेक्सिबल हो गई हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम में लगातार जो है क्या होते रहते हैं, लगातार चेंजेस होते रहते हैं, इनोवेशन होते रहते हैं। शांति रॉय बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत की रैंक जो है बेटा 40वें नंबर पर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ा संस्थान है, बहुत बड़ा संगठन है, तो यही उसे लॉन्च करता है। तो इंडिया रिटेन्स 40th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, रैंकिंग पब्लिश बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विपो कहते हैं। इंडिया हैज बीन अ राइजिंग ट्रेजेक्टरी ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फ्रॉम अ रैंक ऑफ 81 इन 2015 टू 40 इन 2023। अब आप ये देखिए कितना बड़ी खबर है कि 2015 में हमारी रैंक 81 हुआ करती थी, जबकि 2023 में हमारी रैंक 40वें नंबर पर आ गई है। सो यहां पर दिखा रहे हैं कि भारत ने एक रिमार्केबल काम किया है इनोवेशंस में फॉर द 13th ईयर इन अ रो। अब आप हमेशा पूछा जाता है कि टॉप पर हमेशा कौन रहता है, तो दुनिया में हमेशा ये बेटा 13 साल से लगातार एक ही देश इसमें टॉप कर रहा है, दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फॉर द 13th ईयर इन अ रो, स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन 2023, फॉलोड बाई स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके एंड सिंगापुर। तो नंबर वन पर बेटा कौन है, नंबर वन पे स्विट्जरलैंड है, नंबर टू पर स्वीडन है, नंबर थ्री पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नंबर फोर पे यूनाइटेड किंगडम है, और पांचवें पे सिंगापुर है। ये दुनिया के सबसे इनोवेटिव इकोनॉमीज हैं। भारत का नंबर 40वें नंबर पर है, हालांकि बहुत बुरा नहीं है, एक समय में हम 81 नंबर पे थे। डेनमार्क जो है 9वें नंबर पर है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसे साउथ कोरिया कहते हैं 10वें नंबर पर है, याद रखिएगा टॉप 10 में। फ्रांस 11वें नंबर पर है, और उसके अलावा जापान जो है 13वें नंबर पर मिला है इस पार्ट। इसराइल ने जो है बेटा टॉप 15 में अपनी जगह बनाई, और 14वां नंबर इसराइल को भी मिला है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है क्या, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विच इज पब्लिश एनुअली हैज अ लीडिंग रेफरेंस फॉर मेजरिंग एन इकोनॉमीज इनोवेशन परफॉर्मेंस। A large number of countries use the GII to access and improve the innovation ecosystem and use GII as a reference in economic plans and policies. So basically, दुनिया भर के देश इसको इस्तेमाल करते हैं। काफी बेहतर सिस्टम माना जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये बताता है कि किसी भी देश के इकोनॉमिक सिस्टम में कितना ईज है धंधा करने में, इकोनॉमिक सिस्टम कितना इवॉल्व हो रहा है, कितना इनोवेशन हो रहे हैं, वो बताता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो GII हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन इट्स 2019 रेजोल्यूशन ऑन साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट एज अथॉरिटी बेंचमार्क फॉर मेजरिंग इनोवेशन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब आप यहां पर एक चीज देखिएगा, तो यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है बेटा UNESC, तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है 2019 में कि सबसे अच्छा बेंचमार्क है ये दुनिया भर में इनोवेशंस को मेजर करने के लिए। पैरामीटर्स फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स एंड क्रिएट आउटपुट। तो इसकी जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है दो तीन तरह के क्वेश्चन, पहला कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 40वीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। तीसरा पूछा जा सकता है इसको कौन लॉन्च करता है, इसे WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करता है। और चौथा पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस ने इसे कब मैंडेट किया था, तो 2019 में किया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, क्लियर पहली खबर, जल्दी बताइए। जय हिंद फौजी साहब, आ जाइए। दूसरी खबर देखिएगा, माता अमृतानंदामयी देवी रिसीव्स वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। क्या बात है भाई साहब, आपने इनको अक्सर देखा भी होगा, बहुत ही फेमस महिला हैं। सो माता अमृतानंदामयी देवी, ठीक है, तो रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर माता अमृतानंदामयी देवी हैज बीन चूजन फॉर द 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड माइकल डुकैकिस इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड इनोवेशन। ठीक है, अब देखो पहली चीज ये है कि अवार्ड जो है जिसका नाम है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसको कौन देता है, तो इस अवार्ड को बेटा बोस्टन ग्लोबल फोरम जिसे BGF कहते हैं और माइकल डुकारिस
इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड इनोवेशन, तो BGF और MDI मिलकर देते हैं। पॉपुलरली नोन एज अम्मा अमंग हर एडमायरर्स एंड फॉलोअर्स, देवी वॉज सेलेक्टेड फॉर द ऑनर इन रिकग्निशन फॉर अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पीस, स्पिरिचुअलिटी एंड कंपैशन। क्या बात है बेटा, तो विश्व शांति की बात करती हैं वो, स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, कंपैशन होना चाहिए बेटा। देखो हम सब ह्यूमन बींग में अगर कंपैशन नहीं है, दूसरे के प्रति अगर हमें इज्जत नहीं है, दूसरे के प्रति अगर प्यार नहीं है, तो बेटा कोई यूज नहीं है फिर। वी आर नॉट ह्यूमन, वी आर एनिमल्स, सच बता रहा हूं मैं। कंपैशन एक ऐसी चीज है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए बेटा। कहते हैं ना कि मानव को मानव के प्रति जो है प्यार होना चाहिए, अगर वही नहीं है तो फिर आप इंसान नहीं है, फिर कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है बेटा। तो ये इसी की बात करती हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, आध्यात्मिकता है, ग्लोबल पीस है, कंपैशन है। अकॉर्डिंग टू BGF एंड MDI, अम्मा प्रोफाउंड स्पिरिचुअलिटी, कमिटमेंट टू कोर वैल्यूज एंड इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडरशिप हैव अर्नड देयर एस्टीम्ड एक्युलेड। The Boston Global Forum is an international think tank based in Massachusetts, USA में है, dedicated to convening leaders, scholars, policy makers and business leaders to collaborate on critical issues such as peace, security and economic development. होता क्या है ना बेटा, देखो दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इनसे इंस्पायर्ड हैं। कहते हैं ना कि जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं ना, जब बहुत अमीर हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं बेटा, फिर वो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। कभी आपने नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा, बहुत ही मशहूर, जो कि उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा भाई, क्या पर्सनैलिटी थे। स्टीव जॉब से लेकर के जूलिया रॉबर्ट से लेकर पता नहीं कौन कौन उनके पास आया है, उनसे इंस्पायर्ड है। आज भी दुनिया भर के लोग उनसे इंस्पायर्ड रहे हैं, ठीक है, मतलब वो अब नहीं है, तब भी दुनिया भर के लोग उनसे इंस्पायर्ड है। नीम करोली बाबा हो गए, सदगुरु हो गए, ये अम्मा हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो दुनिया भर में कहते हैं ना बेटा कि ग्लोबल पीस हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, कंपैशन है, इसको सिखाते हैं। ये मतलब हमारे अंदर ये आनी चाहिए चीजें, ऑब्वियस सी बात है। तो आध्यात्मिकता अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बेटा, दुनिया में दो तरह के जीवन है, या तो इकोनॉमिक वर्ल्ड है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जब आप एंटर कर जाते हैं ना बेटा, तो आप दुनिया के मोह माया को त्याग चुके होते हैं, फिर आपको ये पैसे और ये ग्लैमर जो है वो नहीं देता, फिर आपको वो पीस ऑफ माइंड। और जो ये बड़े लीडर्स होते हैं ना, ये बड़े CEOs होते हैं दुनिया भर की कंपनीज के, इनको पैसे कमी नहीं है, इनको चाहिए पीस ऑफ माइंड, इसके तलाश में ये भारत जैसे देशों में आते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर्स इनको मिलते हैं, ठीक है। तो भैया ये काफी बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है, इस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। ये बेटा स्पिरिचुअल लीडर माता अमृता देवी को दिया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी खबर सबको क्लियर है, जल्दी बताओ भाई साहब। और ये रेजिमेंट सीरीज में आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है तुम लोगों के लिए भैया। 2 से 4 डेली क्लास यूट्यूब पर और 4 से 8 एम्बाइब ऐप पर चलती है। इसमें हर बुधवार को 2 बजे मैं क्लास लेता हूँ, 3 क्लास ले चुका हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अगले हफ्ते फिर और क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। पूजा राय कह रहे हैं हमको तो अभी पैसे चाहिए, अच्छी बात है पूजा, दैट्स नॉट बैड। देखो अगर इकोनॉमिक वर्ल्ड नहीं होगा तो दुनिया में हर इंसान बेरोजगार हो जाएगा, ये भी समझो ना। अगर भाई अगर लोग जो है दुनिया में, समझो अगर दुनिया में महत्वाकांक्षी लोग ना हो, दुनिया में पैसा कमाने के चाहती लोग ना हो, तो दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ये भी तो समझिए, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कहूंगा इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। और MBIBE की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो भैया जरूर जाके करिए, मैंडेटरी ऐप है। iOS स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए अपडेट्स, नोटिफिकेशन और PDF के लिए। तीसरी खबर पर आते हैं, ये देखिए भैया, उत्तर प्रदेश बैग्ड 2 अवार्ड्स इन आयुष्मान भारत स्कीम। क्या बात है भाई साहब, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार पर चल रहा है, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आयुष्मान भारत स्कीम में 2 अवार्ड जीते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ द 2-डे आरोग्य मंथन 2023 एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली रिसेंटली, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया प्रेजेंटेड 2 अवार्ड्स उत्तर प्रदेश अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो विज्ञान भवन में अभी जो है बेटा क्या हुआ कि एक आरोग्य मंथन रखा गया, आरोग्य मंथन। मंथन क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे हम कहते हैं ना। So, आरोग्य मंथन हुआ था विज्ञान भवन में, जहां पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने उत्तर प्रदेश को 2-2 अवार्ड दिए आयुष्मान भारत स्कीम में। दिस अवार्ड इज बीइंग गिवन टू उत्तर प्रदेश फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJ कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो आपने सुना ही होगा, जहां पर हमारे देश में मुफ्त इलाज वगैरह लोगों को दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए 2 अवार्ड दिए गए उत्तर प्रदेश को। अब देखिए अचीवमेंट को समझते हैं। सो उत्तर प्रदेश हैज रिसीव्ड द फर्स्ट आयुष्मान अवार्ड फॉर सेटिंग अप एन इंक्वायरी सेंटर
and starting a green channel payment system, while the second one has been received for generating the maximum number of Abha scan and tokens. तो भाई यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि एक इंक्वायरी सिस्टम उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है आयुष्मान भारत स्कीम में. दूसरी चीज जो है बेटा, बहुत सारे स्कैन्स वगैरह हुए, ये बहुत बढ़िया चीज है. ठीक है, बिल्कुल सही है. 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है. ओवर 4.7 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा वर क्रिएटेड इन उत्तर प्रदेश. अब आप ये देखिए भाई साहब, तो आभा इसे कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में करीब 4.7 करोड़ अकाउंट्स हैं, कंपेयर टू 4.19 करोड़ इन आंध्र प्रदेश एंड 4.10 करोड़ इन मध्य प्रदेश. एडिशनली ओवर 2.73 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स वर लिंक्ड टू आभा इन उत्तर प्रदेश. अब उत्तर प्रदेश में टोटल अकाउंट 4.7 है. अब आप ये भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा होंगे ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है. तो उत्तर प्रदेश में 4.7 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 4.1 है. जबकि अगर आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आबादी में कम से कम जमीन आसमान का फर्क होगा. कम से कम 4 गुना ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की आंध्र प्रदेश से. लेकिन फिर भी दूसरी चीज यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश जो है उसने 4.7 करोड़ अकाउंट्स किए हैं, और दूसरी चीज 2.73 अकाउंट्स उसमें से जो है वो बेटा हमारे कोर हेल्थ अकाउंट से जोड़ दिए गए हैं, जो कि नेशनल डेटाबेस होता है. ठीक है, हाँ जी. अब यहां देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट हाईलाइटेड द की एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पीएमजे कोविन एंड ई कवच आर बीइंग यूज्ड इन उत्तर प्रदेश. आयुष्मान भारत फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द सेंटर वॉज लॉन्च ऑन September 23, 2018 आफ्टर रिकमेंडेशन बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. तो हमारे देश में मेन मकसद क्या है कि UHC होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए. मतलब हेल्थ कवरेज पूरे देश में हर नागरिक उसके अंतर्गत होना चाहिए, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई थी उसके रिकमेंडेशन पर हमारे देश में आयुष्मान भारत की शुरुआत 2018 में की गई थी, और इसके वजह से जो है उत्तर प्रदेश ने अच्छा काम किया है. इसलिए उत्तर प्रदेश को दो दो अवार्ड दिए गए हैं. एक तो अच्छा जो है बेटा, पहली चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा इंक्वायरी सिस्टम शुरू किया है, और दूसरा चीज जो बेटा आभा अकाउंट्स बनाए गए हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो कि 4.7 करोड़ के आसपास है, इसलिए दिया गया है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताओ सबको, यहां तक खबर क्लियर है? ठीक है, हाँ जी. तो भैया आपको मालूम है आयुष्मान भारत गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड कवरेज फॉर 10 करोड़ इम्प्रोविस्ड एंड वल्नरेबल फैमिलीज विद अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ इंडिविजुअल्स. द स्कीम ऑफर्स 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन स्पेशली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर. तो भैया यहाँ पर देखो, सरकार जो है बेटा ये 10 करोड़ फैमिलीज को देगी, जिसकी आबादी कुल मिला के 50 करोड़ के आसपास है, जिसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर आपको मेडिकल के लिए दिया जाता है. क्लियर? अब जल्दी बताओ भाई, क्लियर है या नहीं? हाँ ना बोल दिया करो, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ आपको क्लियर है. तो मुझे जब क्लियर हो जाता है कि आपको क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए आगे आ जाते हैं. ठीक है, और भाई सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, खराब लग रहा है तो डिसलाइक भी दबाइए. लेकिन मेरे बच्चों बताइए जरूर. शांति रॉय, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं भाई साहब. देखो कहते ना, देखो मेडिकल फैसिलिटी की एक खासियत होती है, मेडिकल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, देखो जिस देश में मेडिकल सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जाहिर सी बात है, तो जब मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो लोगों की मौत कम होगी और लोग जिए ज्यादा. मतलब डेथ रेट हमेशा घटेगा और बर्थ रेट बढ़ेगा, अगर मेडिकल सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे. ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी क्या है बेटा? पूजा जैसे ऑपरेशन वगैरह हो गए इन सब में. ठीक है, हाँ जी, सर्जरीज वगैरह. अब देखो यहाँ पर एक बड़ा अच्छी सी समझो कि मेडिकल साइंस जितना तरक्की करेगी ना, उसकी एक समस्या है कि उससे भैया डेथ रेट कम होगा और बर्थ रेट बढ़ेगा. अब आप जानते हैं कि भारत में मेडिकल सिस्टम काफी स्ट्रांग है और काफी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है. और पिछले कुछ समय से भारत का मेडिकल सिस्टम, हमारे देश में जो बड़ी बड़ी स्कीमें आई हैं, जैसे कि भैया हमारे देश में आपने जननी सुरक्षा योजना सुना हो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सुना हो, आयुष्मान भारत है, ये सब बहुत बड़ी स्कीम है, और इसके वजह से हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही हैं. मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती जा रही है तो भाई साहब, लोगों बूढ़े लोगों की मात्रा भी भारत में बढ़ रही है. तो यहां पर देखिएगा, UNFPA, आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एंड IIPS रिलीजेस इंडिया एजिंग रिपोर्ट. The India Aging Report was released recently by the United Nations Population Fund, जिन्हें UNFPA कहा जाता है, ठीक है, and International Institute of Population Sciences, IIPS.
इन दो संस्थान ने एक रिपोर्ट निकाली है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, समझिएगा। द रिपोर्ट प्रोजेक्ट दैट द नंबर ऑफ पीपल एज 60 एंड अबव इन इंडिया विल डबल फ्रॉम 149 मिलियन इन 2022 टू 347 मिलियन इन 2050। अब ये देखिए अभी साहब, इस समय हमारे देश में करीब करीब 15 करोड़ लोग बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज आगे बढ़ रही हैं 2050 में ये करीब करीब 35 करोड़ हो जाएगा। भाई साहब देखिए, 15 से 35 हो जाएगा अगले 28 सालों में। अब आप समझिएगा 27 सालों में ये 2 गुना ज्यादा होने वाला है। अब क्या हो रहा है कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज नो डाउट भारत में अच्छी हो रही है और बूढ़े लोगों की संख्या भारत में बढ़ रही है। बूढ़े लोग नो डाउट बेटा, बूढ़े लोग का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बूढ़े लोग की इंपॉर्टेंस वही समझता है जिनके घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो बूढ़े लोग घर में रहते हैं, उनका हो सकता है कोई यूज ना हो लेकिन उनका साया जरूरी होता है, ठीक है। तो बूढ़े लोगों का घर में हो सकता है आपसे उनका कोई काम ना हो, आपसे उनको कोई काम ना हो लेकिन उनका साया रहना जरूरी है। उनसे आप 5 मिनट बात करके एक अलग लेवल की जो एनर्जी मिलती है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आई बात। तो ये है बेटा, तो बूढ़े लोग बढ़ तो रहे हैं लेकिन जिस तरह से मॉडर्न सोसाइटी बढ़ रही है, बूढ़े लोगों का देखभाल करने वाला कोई नहीं। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज इतनी न्यूक्लियर हो गई हैं कि बूढ़ों का लोग ध्यान नहीं रख सकते, बेटा अपनी माँ और बाप को नहीं रख सकता। मतलब ये जो समस्याएं अब मॉडर्न सोसाइटी में दिखाई दे रही है ना, ये बहुत ही खराब है। तो इससे भैया सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा लिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा लिया गया है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस का डेटा लिया गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट से लिया गया है, तो सारी चीजें निकाली गई हैं। तो 3 key demographic change, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, रिडक्शन इन मोर्टेलिटी एंड इंक्रीजिंग इन सर्वाइवल एट ओल्डर एज कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन एजिंग। तो भैया आप देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि बूढ़े लोग की 3 बड़े findings देखी गई इस रिपोर्ट में। पहली चीज ये है कि हमारे देश में फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है। भाई साहब, अब आपको ये तो मालूम ही है कि हमारे देश में अब मतलब जो मॉडर्न महिलाएं हैं या जो मॉडर्न कपल्स हैं, अब उनके बच्चे ज्यादा नहीं हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि बेटा एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, फूड हैबिट्स में चेंजेस हैं। पहले जमाने में कहते ना फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी लेकिन अभी बहुत खराब हो गई है, तो फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई है। मॉर्टैलिटी लेकिन कम हुई है, अच्छी चीज यह है कि मरने की संख्या कम हुई है, लेकिन सर्वाइवल जो ओल्ड एज में वो बढ़ गया है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। ग्लोबली देयर आर 1.1 बिलियन पर्सन एज 60 एंड अबव इन 2022। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो पूरे वर्ल्ड में करीब 110 करोड़ लोग जो हैं ऐसे हैं जिनकी आबादी, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, जिसमें से 15 करोड़ भारत में ही है और ये 35 करोड़ हो जाएंगे 2050 तक आते आते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, बाय द ईयर 2046 द साइज ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया विल बी हायर देन द चिल्ड्रन ऑफ 0 to 14। बाई 2050 द शेयर ऑफ ओल्ड पर्सन विल डबल टू 228.8 इन इंडिया। अब आप ये देखिए भाई साहब, 2046 में बूढ़े लोगों की संख्या बच्चों से ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो 0 to 14 वाले एज ग्रुप है उससे भी ज्यादा हो जाएगी, और 2050 तक टोटल पॉपुलेशन का 20% बूढ़े लोगों का होगा, ठीक है। तो यूएन, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात करें, इट इज अ ट्रस्ट फंड अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनएफपीए वाज फॉर्मली 1969-80 नोन एज द यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। एस्टैब्लिश्ड इन 1969, द यूएनएफपीए इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सोर्स ऑफ असिस्टेंस फॉर पॉपुलेशन प्रोग्राम। तो अब आप ये देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, असल में आप सोच रहे होंगे इसका एफपीए नाम क्यों, क्योंकि पहले इसका फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज कहा जाता था, अभी इसका नाम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पहले इसे बेटा यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज 1987 तक कहा जाता था। यहाँ परिवार हॉस्पिटल क्लिनिक इंक्लूड नहीं होंगे यहाँ से, यस यस, अरे भाई कोई बात नहीं, बफरिंग हो रही है भाई, बफरिंग तो नहीं हो रही है पूजा बेटा, पता नहीं क्यों हो रही है। तो अच्छी खबर भी है बुरी भी है, कि अच्छी खबर यह है कि बुजुर्गों का साया रहेगा घरों में, बुजुर्गों का साया रहेगा, घर आबाद रहेंगे बुजुर्ग के जाने के बाद, क्योंकि बेटा घर आबाद नहीं हो सकते, याद रखिएगा, बुजुर्गों के जाने के बाद घर बर्बादी होते हैं, ठीक है। हम सब समझ में आया भाई यहां तक कहानी, तो बता दो यार मुझे जरा, थोड़ा बता भी दिया करो कि सर समझ में आ गया है, कृपया करके सर आगे बढ़े, सर आगे बताइए, ठीक है। हाँ जी, थम्स अप, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है।
भाई साहब ये देखिएगा, गूगल इंट्रोड्यूसेस अर्थक्वेक अलर्ट्स फॉर एंड्रॉइड यूजर्स इन इंडिया। बहुत अच्छी खबर है भाई। देखो भारत में लगातार अर्थक्वेक्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि एक्टिविटी जमीन के अंदर ज्यादा हो रही है, बिल्कुल नहीं है बेटा। अर्थक्वेक्स भारत में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत में मैन मेड एक्टिविटीज बढ़ रही है। भाई भारत में लोगों का बस चले ना, तो कहीं पर पार्के ना रहने दें, कुछ ना रहने दें, हर जगह बिल्डिंगें बना दें भाई साहब। भाई जमीन को जमीन खोद डाली लोगों ने, पूरी की पूरी जमीन। भाई देखो अब पहले क्या था, ये जमीन थी, जमीन के नीचे बड़े बड़े पत्थर होते थे, पत्थर अब यहाँ पे अर्थक्वेक आया, पत्थरों से टकराता था तो पत्थर क्या करते थे, वो शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन अब पत्थर ही नहीं रहे क्योंकि भैया हर जगह मेट्रो बनी पड़ी है, हर जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, हर जगह भैया इंडस्ट्री बन रही है, तो जो पत्थर ही नहीं है तो अर्थक्वेक आते रहते हैं लगातार, क्योंकि अब उनको एब्जॉर्ब करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स पत्थर है नहीं भाई साहब। तो अब जो है बहुत ज्यादा अब हमारे यहाँ हो रहा है, इस वजह से अर्थक्वेक अलर्ट्स बहुत जरूरी हैं। तो एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं उनके लिए अर्थक्वेक जो है बेटा अलर्ट्स गूगल ने निकाला है। तो गूगल हैज लॉन्च इट्स एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया, प्रोवाइडिंग एंड्रॉयड यूजर्स विद ऑटोमेटिक अर्ली वार्निंग अलर्ट्स व्हेन अर्थक्वेक अकर्स इन देयर विसिनिटी। तो हालांकि अब ये तो नहीं बताया पाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन आते ही तुरंत अगर आपकी विसिनिटी में है, मतलब 100 150 200 किलोमीटर में है, तो बता देगा कि भैया अर्थक्वेक आया है। द सिस्टम हार्नेस द पावर ऑफ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स विच आर नाउ इक्विप्ड विद टाइनी एक्सेलेरोमीटर्स दैट कैन फंक्शन एज अ मिनी साइसमोमीटर। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्या होगा कि जितने भी अब एंड्रॉइड फोन, अब जाहिर सी बात है नए फोनों में होगा, तो उसमें जो है क्या लगाए जाएंगे, एक्सेलेरोमीटर्स लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, एंड्रॉइड की सेल और बढ़ेगी भैया। ठीक है, एक्सेलेरोमीटर्स लगाए जाएंगे जो कि सीस्मोमीटर्स की तरह काम करेंगे। सीस्मोग्राफ्स के बारे में सुना होगा आपने। इट वॉज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल सीस्मोलॉजिकल सेंटर। ठीक है, तो भाई साहब ये गूगल ने किसके साथ टाई अप किया है, एनडीएमए के साथ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल साइस्मोलॉजी सेंटर जिसे एनएससी कहते हैं, इन दोनों के साथ मिल करके ये निकाला है। तो इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर्स होंगे जो साइस्मोमीटर्स की तरह काम करेंगे। अब देखो होगा क्या, एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स एक्सेलेरोमीटर्स कैन एक्ट एज मिनी साइस्मोमीटर्स विच कैन डिटेक्ट द बिगिनिंग ऑफ अ क्वेक व्हेन द फोन इज प्लग्ड इन एंड चार्जिंग। ठीक है भैया, तो भाई इसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि फोन चार्जिंग पर होगा तभी मालूम चलेगा। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ क्वेक बता सकता है, व्हेन द फोन इज कनेक्टेड एंड चार्जिंग इट हैज अ कैपेसिटी टू डिटेक्ट द इनिशियल ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक। तो मतलब चार्जिंग पर नहीं है तो नहीं बताएगा। व्हेन मेनी फोन्स पिक अप द ट्रेमर्स द कंपनी सर्वर कलेक्ट्स द डेटा एंड प्रोसेस इट टू कंफर्म द अर्थक्वेक एंड सेंड अलर्ट टू अदर फोन्स नियर बाय। ठीक है भैया, इसके लिए जरूरी है साइस्मोग्राफ एंड रिक्टर स्केल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पूजा रॉय कोई डिफरेंस नहीं है। साइस्मो एक होता है, साइस्मोग्राफ एक होती है, सॉरी बेटा सीस्मोग्राफ तो वो होता है जिससे मेजर होता है, जिससे बेटा कहते हैं ना साइस्मोग्राफ होता है जिसमें वो मेजरमेंट होता है इंटेंसिटी के लिए जो होता है, वो रिक्टर स्केल और मरकाली स्केल इस्तेमाल की जाती है। दोनों में रीडिंग अलग होती है, रिक्टर स्केल में 0 to 9 होती है, उसमें 0 से 12 तक होती है। ठीक है, तो मरकाली स्केल होती है और एक रिक्टर स्केल होती है। साइस्मोग्राफ तो डिटेक्ट करता है, एक होता है डिटेक्शन और एक होता है इंटेंसिटी कितनी थी, मतलब उसको नंबर जैसे कहते हैं ना 6.2 मैग्नीट्यूड का आया। तो साइस्मोग्राफ्स बेसिकली जो होते हैं डिटेक्ट करते हैं, जबकि उसकी इंटेंसिटी को मापते हैं जो है रिक्टर स्केल और मरकाली स्केल। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब यहां पर क्या करेगा बेटा, अर्ली अलर्ट, इंटरनेट सिग्नल ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट मच फास्टर देन द प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक शेकिंग थ्रू द ग्राउंड, सो द अलर्ट्स ऑफन रीच फोन सेवरल सेकंड बिफोर द शेकिंग डस्ट। इन दिस सिनेरियो टू टाइप्स ऑफ अलर्ट्स कैन बी ऑब्जर्व, बी अवेयर अलर्ट व्हेन यूजर एक्सपीरियंस MMI 3 एंड 4 शेकिंग विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.5 और ग्रेटर, टेक एक्शन अलर्ट व्हेन द यूजर एक्सपीरियंस MM 5+ शेकिंग द मैग्नीट्यूड 4.5 और ग्रेटर। तो बेटा क्या होता है, दो तरह के अलर्ट देगा, एक होगा अलर्ट बी अवेयर, मतलब बता देगा कि अर्थक्वेक भाई साहब करीब 4.5 मैग्नीट्यूड के आसपास है, 4.5 मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होता है, और दूसरा होगा टेक एक्शन। तो ये है बी अवेयर और दूसरा है टेक एक्शन। जब 4.5 से ज्यादा होगा तो भैया बता देगा कि भैया निकल लो घर से, खतरा है, घर के अंदर बैठना अब सही नहीं है। ठीक है, अब मोबाइल कंपैटिबिलिटी रिक्वायर्ड एंड्रॉइड 5 एंड अबव, लैंग्वेज अलर्ट फॉर द सिस्टम आर अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस व्हिच ऑलरेडी सपोर्टेड बाय एंड्रॉइड। ठीक है भैया, इसके लिए आपके पास एंड्रॉइड 5 एंड अबव होना चाहिए और दूसरी चीज इंडियन लैंग्वेजेस में होगा, बिल्कुल आप हिंदी इंग्लिश सारी भाषाओं में होगा। क्लियर है, जल्दी बताओ, फास्ट 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 फास्ट।
जल्दी, चार खबरें हो गई हमारी, पांच बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं भाई साहब ये सारी, और आपको बता चुका हूं मैं, डेली बताता हूं कितना करंट अफेयर्स करके जाना है 9 से 12 महीने का, ठीक है? हाँ जी, अब ये देखिए भाई साहब, बहुत बड़ी खबर आ रही है, मलयालम मूवी 2018 इज एन इंडियन ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024। बहुत बढ़िया खबर आ रही है भाई साहब। तो मलयालम मूवी जिसका नाम है 2018, तो 2018 एवरीवन इज अ हीरो हैज बीन चूजन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर 96 एकेडमी अवार्ड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। और अगर ये जीत गई तो गारंटी एग्जाम में पूछा जाएगा। इट इज द फोर्थ फिल्म इन द लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड फॉर द ऑनर। मलयालम भाषा में चौथी किताब मूवी है, इससे पहले गुरु जा चुकी है 1997 में, अडा मिंटे मकाऊ अबू गई है 2011 में, और जलाई कट्टू गई है 2019 में। ये गुरु वाली नहीं, अभिषेक बच्चन वाली ना, ये अलग है। वॉज सेलेक्टेड इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर बट नन ऑफ द फिल्म गॉट नॉमिनेटेड। तो भैया गई थी लेकिन नॉमिनेट नहीं हो पाई। 2018 इज डायरेक्टेड बाय जूड एंटनी जोसेफ। इट इज बेस्ड ऑन द रेन्स एंड फ्लड दैट हिट केरला इन 2018। तो बारिश और फ्लड्स आए थे केरला में भैया 2018 में, उसी के ऊपर ये पिक्चर बनाई थी, और इसे जूड एंटनी जोसेफ द्वारा बनाई गई है। काफी अच्छी पिक्चर है, इसका नाम है एवरी वन इज अ हीरो, ठीक है, 2018। तो उम्मीद करते हैं इस मूवी को अवार्ड जरूर मिलेगा। जूड एंटनी जोसेफ को रोट द स्क्रीन प्ले विद अखिल पी धमराज। द स्टार कास्ट ऑफ द मूवी इंक्लूड्स टॉविनो थॉमस, विनी श्रीनिवासन, अपर्णा बालमुंडरी, कालीसरन कालुशो बोबन, लाल नरी, इनकी जरूरत नहीं है। द 96 ऑस्कर वी हेल्ड ऑन मार्च 10, 2024 एट द डॉल्बी थिएटर एट ओवेशन हॉलीवुड इन लॉस एंजलिस। लास्ट ईयर पैन नालिंस छेलो शो वॉज चूजन फॉर द ईयर फॉर दिस ईयर ऑस्कर, इट वॉज शॉर्टली डिडंट गेट नॉमिनेटेड। इंडिया वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म फॉर द एलिफेंट विस्परर्स। नाटू नाटू फ्रॉम RRR वन द बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि मूवी गई है, देखते हैं इसको मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है, क्लियर। आगे रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि त्रिपुरा ने बेटा ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च किया है, बहुत बढ़िया। तो त्रिपुरा ने ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च किया है। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च ई कैबिनेट सिस्टम एट अगरतला टू प्रमोट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इंफॉर्मेशन। त्रिपुरा हैज दस बिकेम द फोर्थ स्टेट एंड सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट आफ्टर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश टू हैव इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम। सो ई कैबिनेट बहुत अच्छी चीज है बेटा, किससे क्या है कि आप सरकार और सरकार की जो संसद वगैरह है, जैसे स्टेट असेंबली वगैरह है, बिल्स वगैरह है, उसको उसकी हर इंफॉर्मेशन आप डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। तो सबसे पहले हमारे देश में ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च किया था उत्तराखंड ने, फिर उत्तर प्रदेश ने, फिर अरुणाचल प्रदेश ने, और त्रिपुरा चौथा राज्य बन गया है, ठीक है। आगे एज पर द प्लान ऑल फ्यूचर कैबिनेट मीटिंग्स इन द स्टेट विल बी पेपरलेस, रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द प्रोसेस विद मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट यूजिंग टैबलेट। तो भैया सारी जो अब मीटिंग्स होंगी संसद के अंदर, भाई संसद के अंदर बहुत पेपर खर्चा होता है, ठीक है, मतलब विधानसभाओं में, तो वो सब टैबलेट्स पर होंगी भैया, सबको टैब दिए जाएंगे। ऑल मिनिस्टर अटेंडेड द इवेंट एट द न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स वेयर द चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड द ऐप टू बी यूज्ड फॉर द ई कैबिनेट। द गवर्नमेंट ऑल्सो रोल्ड आउट एन ऑनररी कमेंडेशन डिपार्टमेंट दैट हैव गॉन पेपरलेस पार्ट ऑफ 100% ई ऑफिस अडॉप्टेशन, ठीक है। अब ये देखिएगा भाई साहब, गुजरात बैंस इन्वेसिव ट्री स्पीशीज, ठीक है। अब इन्वेसिव ट्री स्पीशीज क्या होते हैं, ये वो पेड़ होते हैं जो अगर उग गए तो दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब ये वो पेड़ होते हैं, ये उग गए तो भैया दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं, इसी वजह से बेटा इन्हें बैन किया जाता है। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज बैंड द प्लांटेशन ऑफ कोनो कार्पस। अब आप पूछेंगे ये पेड़ का नाम क्या है, कोनो कार्पस पर रोक लगाई है। एन इनविजिव स्पीशीज इन द फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया अंडरलाइंग इट्स एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो भैया इसका एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर बहुत खराब असर पड़ता है, इसीलिए इस पर रोक लगाई है कोनो कार्पस। कोनोकार्पस इज अ एवरग्रीन स्पीशीज विद डार्क ग्रीन शाइनी लीव्स। इट इज अ फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज विच रिपोर्टेड नॉट टू बी पैलेटेबल टू वाइल्ड हर्बीवोर्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पेड़ जो होता है बेटा, वो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई और बकरी वगैरह है, इन सबके लिए बहुत खराब माना जाता है। सो कोनोकार्पस ये एक तो जब यहाँ लगाया जाएगा बहुत तेज बढ़ता है ये, ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। हाँ जी, द रूट्स ऑफ दिस स्पीशीज गो डीप इनसाइड द सॉइल एंड डेवलप एक्सटेंसिवली डैमेजिंग टेलीकम्युनिकेशन लाइन, ड्रेनिंग लाइंस एंड फ्रेश वाटर सिस्टम। आप देखिए बेटा, तो ये टेलीकम्युनिकेशन लाइन खराब कर सकती है, इसकी रूट्स ड्रेनेज लाइन खराब कर सकती है, फ्रेश वाटर सिस्टम। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो बीन डायरेक्टेड रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट्स एडवर्स इम्पैक्ट, ठीक है।
और आखिरी खबर आ रही है, न्यू फिश स्पीशीज नेम जिसका नाम है पेरीगॉट रिगला इंटरमेडिका डिस्कवर्ड इन वेस्ट बंगाल दीघाज हार्बर। तो नई फिश डिस्कवरी है जिसका नाम है पेरीगॉट रिगलर रिगला इंटरमेडिका, ये आखिरी खबर है। इट इज कॉमनली नोन एज द गुरनार्ड्स और सी रॉबिन्स एंड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ट्रिगली डे। तो ये फैमिली, फिश फैमिली जो है उसे बेटा कहते हैं ट्रिगली डे, और फिश का नाम है पेरीगॉट रिगला। इट इज कैरेक्टर्स क्वाइट सिमिलर टू स्पीशीज लाइक पेरीगॉट रिगला हेमिस्ट्रिक्टिका। इट इज द फोर्थ स्पीशीज ऑफ द पेरीगॉट रिगला जीनस रिपोर्टेड इन इंडिया सो फार, एंड देर आर टोटल 178 स्पीशीज ऑफ द ट्राइगले फैमिली वर्ल्ड वाइड। The specimens were found to be very distinctive from other gurnard species, various aspects like snout length, space, shape of the internuchal space and size of the spine. ठीक है, तो भैया ये नई फिश स्पीसीज है जिसका नाम है पेरीगॉट रिगला इंटरमेडिका। ये फैमिली ऑफ द ट्रिगली डे बिलोंग करती है, जिसकी दुनिया भर में 178 स्पीसीज हैं। नई स्पीसीज जो है पाई गई है पश्चिम बंगाल के दीघा हार्बर पर, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के दीघा हार्बर पर। ये हो गए भाई आज की खबरें, कैसी रही जल्दी बताओ, फिर रिवीजन शुरू किया जाए। जल्दी बताओ अच्छा लगा कि नहीं लगा, हम सब भाई एवरीवन। देखो 40 मिनट लेता हूं मैं तुमसे, कहता हूं 40 मिनट दो जीवन के, अपने जीवन के 40 मिनट मुझे दो, तुम्हारे करंट अफेयर्स की जिंदगी भर की समस्या सॉल्व कर दूंगा, ये वादा है। करंट अफेयर्स की समस्या नहीं होगी जीवन। रिवीजन किया जाए, क्या इजाजत है भाई? चलें भाई शुरू करें। चलिए बहुत बढ़िया, पहली खबर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली पब्लिश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? नहीं, नाम टेढ़ा नहीं है बेटा, बस करना तो है, जल्दी बताओ। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है भाई? फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज 40वां स्थान 132 में से। दूसरा, रेनाउंड स्पिरिचुअल लीडर माता अमृतानंदमयी देवी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी दिस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय, जल्दी कौन इंस्टीट्यूट करता है इस अवार्ड को? सियोल पीस प्राइस, इंटरनेशनल पीस कैंपेन, बॉस्टन ग्लोबल फोरम, गांधी मंडेला पीस ट्रस्ट। जल्दी इस पीस प्राइस को कौन निकालता है? बिल्कुल सही है, बॉस्टन ग्लोबल फोरम। बॉस्टन ग्लोबल फोरम, उसके ऊपर मत जाइए, राइट आंसर सी है, बॉस्टन ग्लोबल फोरम। ठीक है, हां जी। कंसिडर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट, उड़ीसा हैज रिसेंटली बैक टू अवार्ड्स फॉर परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम ऑफर्स अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेशली फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। उत्तर प्रदेश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। जल्दी बताओ भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो भाई पहला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर उड़ीसा को तो मिला नहीं, हो उत्तर प्रदेश को मिला, मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता। मतलब अब देखो सिंपल है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अकाउंट है, तीसरा गारंटी सही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तुम्हारे सामने आ गया भैया, आंसर अपने सामने ही आ गया भाई, क्या कर सकते हैं, इसे कहते हैं शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। जल्दी बताइए,
बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली पब्लिश इंडिया एजिंग रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पीपल एज 16 अबव इन इंडिया? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, 2050 में, 2050 में मैंने बताया आपको कि इट विल बी अराउंड 347 मिलियन, 35 करोड़ के आसपास। Which of the consoles of the Android phone is used for seismometers for the recently launched feature by Google for Android earthquake alerts? Antenna switch, power frequency, audio IC, accelerometer. जल्दी बताइए, fast. हाँ जी, seismometers for the recently launched feature by Google Android earthquake alerts in India. Accelerometer is the right answer. Everyone is a hero has recently chosen for Oscars in the best international feature film category. This movie is originally made in which Indian language? जल्दी बताइए। Everyone is a hero. ये मूवी जो है मलयालम इज द राइट आंसर। तो ये हो गया भैया हमारा डन आज का करंट अफेयर्स, ठीक है? आज का करंट अफेयर्स हमारा हो गया भाई। और एम्बाइब की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट जाइए और एम्बाइब की ऐप जरूर डाउनलोड करिए। मैंडेटरी ऐप है सभी के लिए जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि एम्बाइब पर मिलती है हर एक चीज जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है? एम्बाइब ऐप प्ले स्टोर आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप अपने डाउट्स हमसे सीधे व्हाट्सएप पर पूछिए, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू इट, ठीक है? तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है? चलिए फिर मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ, ठीक है? एंड जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।